हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान टोकन तुम्हारे हाथ के द्वारा हम टोकन कैसे काटेंगे। जी हाँ, धान बेचने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को टोकन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मोबाइल ऐप के द्वारा हम रजिस्टर एवं टोकन कैसे काटें, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको यहाँ पे किसान कोड, जो कि किसान कोड एक अपने जहाँ पे धान उपार्जन केंद्र है या सोसाइटी, वहाँ से आप इसको किसान कोड को प्राप्त कर सकते हैं एवं ऑनलाइन भी आप अपना किसान कोड निकाल सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके लिंक्स के माध्यम से अपना किसान कोड देख सकते हैं एवं ऐप के भी हम लोग वहाँ एप्लीकेशन अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख सकते हैं ऊपर में रजिस्टर करें। जी हाँ, आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करें और इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान कोड दर्ज करें। तो किसान कोड हम दर्ज कर लेते हैं, किसान कोड दर्ज करने के बाद जैसे ही आप किसान कोड दर्ज करेंगे नीचे में आप देखेंगे जानकारी देखें, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये डिटेल पूरी जानकारी आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अगर मोबाइल नंबर आपका गलत है तो आप बाजू में देख सकते हैं पेंसिल, जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें आप क्या आपने वर्तमान में मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं, क्या उसमें नंबर जो दिया है उसमें को आप बदलना चाहते हैं, तो आपको हाँ करना पड़ेगा और उसके बाद इसको आप यहाँ से डिलीट करके अपना नया नंबर दर्ज कर लेंगे। हम अभी तो फ़िलहाल चेंज नहीं करना चाहते हैं तो हमारा वही नंबर रहेगा। और नीचे में उसके नीचे में देखेंगे ओटीपी प्राप्त करें। जैसे ही ओटीपी आप वहाँ के लिए क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा ओटीपी, आप उसको यहाँ नीचे में दर्ज करके हम अपना पिन नंबर बना के रजिस्टर कर देंगे। हमारा फ़िलहाल अभी रजिस्ट्रेशन हो गया है तो हम दर्ज नहीं करेंगे। हम सीधा इसके बाद यहाँ से हम वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद हम यहाँ पर पंजीकृत हैं, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के नीचे में पंजीकृत हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर करने के बाद पंजीकृत रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को वापस फिल कर देंगे और अपना जो पिन नंबर दर्ज करके बनाए थे उसको हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे और यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। आपको फिर इस तरह का कुछ दिखाई देगा, चैन टोकन ऐप के लिए सफलतापूर्वक लॉगिन कर लिया गया है। फिर ओके हम करेंगे, फिर आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। आपका नाम, जिला, विपणन वर्ष एवं समिति का जो केंद्र है वो आपको यहाँ पर शो होगा और आप देख सकते हैं नीचे में किसान की जानकारी, भूमि जानकारी, बैंक खाता, टोकन संबंधी सभी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें टोकन बनाना है तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है टोकन के लिए आवेदन करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे टोकन के लिए आपके पास इस तरह का डेट वाइज एवं क्विंटल की मात्रा आवेदन कर इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं 28 नवंबर को, 29 नवंबर को यहाँ पर दिनांक दिया हुआ है। 28 29 तारीख का जो धान की मात्रा है वो कट चुका है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 2 तारीख 3 तारीख इसमें दिखाई दे रहा है, 233 इस तरह से, और 6 तारीख को दिखाई दे रहा है।
आप यहाँ पर क्लिक करके आवेदन करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपकी मात्रा दिखाई देगा और यहाँ पर अपना क्विंटल डाल के यहाँ से आप सुरक्षित कर लेंगे। मैंने फ़िलहाल टोकन बना लिया है। टोकन बनाने लेने के बाद आपको यहाँ पर जैसे ही टोकन आपका आवेदन हो जाएगा सफलतापूर्वक तो यहाँ पर दिखाई देगा टोकन संबंधी जानकारी। टोकन बनने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टोकन बना है वो दिखाई देगा। मेरे इस तरह से 2 टोकन काटा है अलग अलग डेट में, 26 तारीख को 1-2 तारीख को। तो आप इसका टोकन देखने के लिए आप पावती पर क्लिक करेंगे। पावती पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको टोकन दिखाई देगा। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना टोकन काट के सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एवं हमारा व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से अपना ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।